पत्नी हो? मुझे नहीं रहना, उसके साथ ही रह लो जाके। नहीं तुम्हें क्यों नहीं रहना यार, शादी हुई को मजाक है यार, मुंह उठा के तुम्हें नहीं रहना, पहले बताने चाहिए था ना। नहीं क्या लिमिट में रहना। अरे यार मैं यार सॉरी यार, चलो हो गया यार, जो हो गया ना शिवानी, जो हो गया यार, नहीं हो गया, बताया नहीं है, बताया नहीं है, क्या बताया नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस एंड मिसेस सलूजा व्लॉग्स। तो गाइस आज मैं करने वाला हूँ अपनी वाइफ के साथ प्रैंक कि मैं डिवोर्सी हूँ, मतलब मेरी शादी हो चुकी है पहले, तो ये मैं प्रैंक करने वाला हूँ। तो मैं एक्चुअली क्लासेस ले रहा था अपने रूम में, ये म्यूज़िक रूम है मेरा, मैं इसमें क्लासेस ले रहा था। तो मैं क्या चुपके से आपको एक बार बता दूँ, क्योंकि बाद में तो देखो बन नहीं पाएगी, तो उससे चुपके प्रैंक करना पड़ेगा ना, तब तभी तो प्रैंक लगेगा ना। तो इसलिए अब मैंने सारी सेटिंग सोच लिया क्या करना है। मैंने मम्मा को कॉल कर दिया है, अपनी बहन को कॉल कर दिया कि मेरे को बार बार कॉल करेगी जानबूझ के फोन, मतलब फ़ोन पे अभी 15-20 मिनट के अंदर, क्योंकि कैमरा मैं उधर छुपा दूंगा, LED के नीचे जगह है जहाँ पे शोपीस वगैरह पड़े होते, तो मैं उसके पीछे शोपीस के पीछे छुपा दूंगा कैमरा बाहर करके फ़ोन का, तो फटाफट ऐसे छुपा के रख दूंगा जैसे ही मौका मिलेगा ना, है ना, उसको मिस कॉल लेके अपनी बहन को। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ, तो प्रैंक शुरू करने वाले हैं, तो सारी सेटिंग हो चुकी है, तो चलो मिलते हैं फिर, आपको दिखाते हैं प्रैंक के मज़े। गाइस वाइफ गई है वॉशरूम, तो फटाफट मैं कैमरा छुपा रहा हूँ, फटाफट मैं कैमरा छुपा देता हूँ, तो फिर प्रैंक मिलते हैं। सिमरन कौन है ये? ओ दो 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 इधर। कौन है? अरे ऑफिस से कॉल है यार, यही बैठ के बात करो। इसको यार आज रात को 10 बजे कॉल करने का मतलब ही नहीं है। चलो अंदर कहाँ जा रहे हैं, वहाँ बैठ के बात करो। ये रात को 10 बजे कॉल करी ऑफिस से, बताओ। बात करो मेरे पास, तुम्हारे पास बड़ी रात को लड़की को कॉल आते हैं। बैठ जाओ। छोड़ो ऐसे ही यार, दिमाग खराब हो जाता है। 10 बजे कौन सा काम अभी ऑफिस में कॉल कर रही है, लगा गया कोई डंका लगा गया। तुम्हारे पसीने की छूट रहे हैं, पसीने पागल हो गया यार। उठा लो ना, क्या बोल रही है, कौन है वैसे ये? हेलो यार, ये कोई टाइम थोड़ी है यार कॉल करने का। मिट्टी ऑफिस का काम यार, ऑफिस में हो गया बात खत्म, जो भी टाइम है कॉल कर रहे हो। कौन है ये, कौन परेशान है? हेलो, बार बार फोन करे जा रही है यार, कौन सा खर्चा दो तुम्हें यार बताओ। मस्त, तुम दिन में नहीं कॉल कर सकते यार, रात को इस टाइम पर जरूरी है कॉल। किसको खर्चा दोगे? नहीं खर्चा किसको दोगे? अरे रुक जाओ, नहीं बात करो, देख नहीं रहे। हेलो यार, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो हमारा था हो गया, अब बार बार मेरे को कॉल करके क्यों परेशान करते हो आप, हर दूसरे मेरे को कॉल करने लग जाते हो यार। ये तो आपको देखना है ना, मैं लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ यार, आपको देखना चाहिए ना, आप बड़े ना या नहीं बड़े, उससे मेरे को सोने को लेने देना है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी फैमिली है, अब मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, अब मैं आपका देखूंगा कि अपनी फैमिली का देखूं, अपने घर का देखूंगा मैं? नहीं ये कोई बात नहीं है, आप अपना देखो, जो हो गया वो भूल जाओ, जो हो गया वो हो गया। अब आप मेरे को कोई कॉल कर रहे हो आज, कहां से आप इतने दिनों बाद वापस कॉल कर रहे हो, आपको बोला था ना मेरे को कॉल मत करा करो। कौन है? मैं ब्लॉक कर दूंगा, सही रहेगा। इसको बोल रहे हो? मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं दे सकता, ये आपकी जिम्मेवारी है, मैं आगे शादी कर चुका हूँ, मेरी आगे बीवी है, आप बार बार मेरे को कॉल करके परेशान करोगे, खर्चा मैं किस चीज का खर्चा दूं? किसको दोगे खर्चा? क्या खर्चा करते ला रहे, क्या है खर्चा बताओ। अरे कुछ नहीं यार, ऐसी कैसी गाली है, फालतू ना बकवास मत करना। अरे पर्सनल मैटर यार, हाँ तो कोई पर्सनल चीज भी होती है यार, कोई सारी चीजें तुम्हें बताऊं जरूरी नहीं है।
यार बोला तो है यार इस टाइम कॉल मत करो यार। आप यार मेरी देखो, मेरी फैमिली है, मेरे यहाँ के बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मैं नहीं कुछ कर सकता। ये आपकी प्रॉब्लम है, आप खुद देखो। मेरे को कॉल करके परेशान मत करो। कौन है ये लड़की जो बार बार कॉल कर रही है? सिमरन कौन है? रात को 10 बजे कॉल करने का मतलब अरे क्या कुछ नहीं यार, होता थोड़ा ऑफिस में ना काम करवाया था तो उसके यार वो खर्चा मांग रही है यार। है? 10 बजे खर्चा याद आ रहा उसको? चल क्या रहा है आपके हैं? अरे यार हर बात बताने में जरूरी नहीं समझता क्यों क्यों है। नहीं समझते? जरूरी बीवी हो तुम्हारी, ठीक है? कोई काम वाली बाई नहीं हो जो कुछ बताना वो नहीं समझोगे? कुछ नहीं यार, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ आज। देखो आज तो तुम्हें कल भी पता लगनी है, और मेरे को पता, तुम्हें कल भी पता चली जानी है। तुमसे पहले मेरी शादी हुई थी, तुमसे पहले मेरी एक शादी हो चुकी है, पर मैंने डिवोर्स ले लिया था। लड़की ठीक नहीं थी, लड़की के कारनामे ठीक नहीं थे। तो मुझे लड़की से क्या हमें पता मतलब? चला, तुम आज बता पता रहे है हो मेरे घर वालों को जो पता भी चल गया बार बार कॉल था। कर दिए मेरे इसलिए? होते हुए मेरे घर वालों को पता चल गया, मेरे होते हुए भी उसके बाहर फैर थे लड़की के। आपके घर वालों को और आपको शादी से पहले बताना नहीं चाहिए था एक बार? मैंने बताया था बिचौले को जिसने शादी बिचौले करवाई का मतलब हमारी, आपको तो बताना चाहिए था बिचौले को ना। मैंने बताया था कि हाँ हमारी शादी के भाई मेरे बारे बताया था कि हाँ भाई मेरी पहले शादी हो गई थी, पर हफ्ते बाद हमने डिवोर्स ले लिया था क्योंकि उसका बाहर चक्कर था भाई, वो लड़की ठीक नहीं थी करेक्टर वाइज। तो बिचौलिया तो दो परिवारों को मिलाता है ना सारा। जब आप मेरे पापा तो आए मैंने मेरी यार मैंने मेरी बात सुनो पहले। जब मेरे पापा मेरी फैमिली आई थी देखने तो आपको सारी बातें बतानी यार, चाहिए तो थी। जैसे मेरी बात है मैंने भी चोले को बताया था, उसने तुम्हें बताया नहीं, बताया मेरे को थोड़ी ना पता यार इस चीज का, मेरे को लगा उसने बताया होगा यार तुम्हें। तो तुम्हारे में से शादी हुई तुम्हें कोई फर्क तो नहीं पड़ता हमें मेरी हमारी इस बात से? बारे में कभी बात ही नहीं हुई, हमारी इस बारे में बात भी तो नहीं हुई यार। बहुत बहुत अच्छी बात बता रहे हो ना खुश होके कि शादी देखो होगी। बंदा पहले बताता नहीं कि भाई हाँ हमारी शादी हुई है, दूसरी शादी हो रही है, ये बताने का कोई मतलब नहीं बनता तुम्हारे तुम्हारे परिवार का? यार मैंने बताया तो उसने यार हमारी इस बारे में बात ही नहीं हुई ना, मेरे को थोड़ा पता कि तुम्हें बात ही बताती इस बारे में। ये फालतू नौटंकी ना किसी और को दिखाइयो जाके, ठीक है? ये फालतू के ना ड्रामे मैं नहीं देखूंगी बिल्कुल भी। यार जब ड्रामे का मैं तुम्हारे तुम्हें मेरी बात सुनो, मेरे को थोड़ा पता कि चोले तुम्हें बताया या नहीं बताया यार, मेरे बेटी छोड़ उसकी चीज को लेके यार, और मेरा उससे कोई मैंने रिश्ता बिचौली से शादी करनी थी, मेरे आपसे करनी थी। मेरा उस चीज के लेके कोई रिश्ता है ही नहीं, जो हो गया हो गया, मैं चेंज तो नहीं कर सकता। अब तो प्रेजेंट टाइम में तो मैं तुम्हारे साथ ही हूं ना, तुम ही मेरी पत्नी हो। मुझे नहीं रहना उसके साथ ही, रह लो जाके। नहीं तुम्हें क्यों नहीं रहना यार, शादी हुई मजाक है यार, मुंह उठा के पहले तुम्हें नहीं रहना। बताने चाहिए था। मैं अपने घर वालों को बताऊंगी ना कि तुम्हारी कैसी हरकत है। एक बार तुमने मेरी फैमिली को बताया भी नहीं है सब। यार मेरे को नहीं पता तुम्हारी फैमिली को ये सब चीजें नहीं बताई बिचौले ने यार, हमारी इस लेवल पे कोई बात ही नहीं हुई यार, इस टॉपिक के लेकर कोई बात ही नहीं हुई कल को, भाई। कल को आपकी बहन की शादी होती तो आप बताते नहीं? यार बताता पर कोई टॉपिक ही नहीं छेड़ा, मेरे को नहीं पता था यार कि तुम्हें नहीं पता। मतलब दूसरों और की मेरी बेटी बात दूसरों की सुनो, बेटी नहीं और होती? मेरी बात सुनो, और मेरी बात सुनो यार, मैं उसको डिवोर्स दे दिया जो भी है, ठीक है यार। जब डिवोर्स हो गया वो भी तो दूसरी शादी कर सकती थी ना, उसने शादी करी है या नहीं करी मेरे को नहीं पता, उसकी शादी हुई नहीं या उसने क्यों नहीं करी यार, पता नहीं कहां से नंबर उठा के वापस कॉल कर लिया कि खर्चा दो। भाई मैं किस चीज का खर्चा दूं जब फोन मेरी शादी, लगाओ अभी ये मम्मी को मैं फोन लगाओ यार जब तुम मैं बताओ, पापा को फोन पहले लगाओ। तुम बताओ, नहीं मैं मुझे नहीं पहले करना तुम बताओ चाहिए। मैं किस चीज का खर्चा दूं भाई, जब शादी तुमसे होगी, मेरी नई फैमिली है भाई, डिवोर्स होगा मैं थोड़ा खर्चा दूंगा उसके घर का। पहले तुम पूरी चले जाओ, वहीं जाओ फोन लगाओ, अभी फोन लगाओ अपनी नहीं मम्मी मैं क्यों कॉल लगाऊं यार, नहीं फोन लगाओगे तुम? मैं क्यों लगाऊं? लगा रहे हो? लगाऊं मैं? नहीं मैं नहीं लगाऊं। लगा के बात मेरे से कोई मजाक तो नहीं करे? एक बार मैं पता करना चाहती हूँ मम्मी से भी। यार मैं मजाक क्यों करूंगा यार, तुमसे कोई मजाक करने वाली बात है यार नहीं, इसमें? अगर ये मजाक कर रहे हो ना ये बहुत बड़ी बात है, मेरे से बुरा ना कोई नहीं होगा, याद रख लेना इस बात को। अरे यार तुम मम्मा से पूछ लो यार, तुम मैं मजाक नहीं कर रहा लो। हेलो, हाँ जी नमस्ते मम्मा। अच्छा तुसी दसो कि आपा बिचोले नूं दसी सी ना इह गल कि मेरी दूजा विआह होया होया है, कि मेरा पहला विआह होया सी, आपा बिचोले नूं दसिया सी ना उन्होंने, इन्हें नहीं फैमिली नूं आपा कह सकते कि एक बार दस दो, क्लीयर कर दो अपने वालों कि हाँ भी मुंडे का विआह होया सीगा, कि लड़के की शादी हुई थी पर हफ्ते बाद ही तलाक ले रहे थे क्योंकि लड़की करेक्टरलेस थी, उसके बाहर भी चक्कर थे हमें जहां तक पता चला हमें, तो इसलिए हमने तलाक ले लिया था क्योंकि वो करेक्टर वाइज सही नहीं थी। क्या सी ना बिचोले नूं बताया ही नहीं है बिचौले ने, और ये मेरे से लड़ रही है। अरे यार
अरे आज उसका कॉल आ गया, वो खर्चा मांगने लगी, बताओ। क्यों? पता नहीं, कह रही है कि पता नहीं उसने शादी नहीं करी, उसका काम कुम छूट गया, कह रही है मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, बच्चे वो या मुंडा नहीं सीखा, कह रही उसका स्कूल में एडमिशन करवाने, आप पैसे दो। भी मैं क्यों पैसे दूंगा, जब जब तलाक होगा मैं क्यों पैसे दूंगा, मुंडे ने एडमिशन कराया मैं थोड़ा कराऊंगा। मैं नहीं तोड़ना रहूंगी यार, मैं मेरी गल सुनो कि जे जो रिलेशन लोग पूछ रहा हूँ, मैं से बात कर लो खुद ही। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या बोल रहे हैं? ये दूसरी शादी, दूसरा दूसरी दूसरी वाइफ का मुंडा, ये सब चीजें तो किसको किसको बताई थी? मेरे परिवार को मुझे तो नहीं पता। बिचौलिया तो दो परिवारों को मिलाता है ना, फैमिली तो आपस में एक दूसरे से सारी बातें बताती है कि बात क्या है, जब दो दो लड़के लड़कों की शादी होती है दोनों के बारे में बताया जाता है ना। तो बताया गया था, सारी बात बताई गई थी, आप किसी ने नहीं किया, आपने सुनी तो उसमें क्या सब कुछ ध्यान ध्यान से तो जब सुनते ना, अगर कोई बताता। आप बताओ, ये कोई तरीका कोई ना होता है कि शादी हो गई, शादी के कुछ टाइम बाद पता लग जाए कि हाँ उनकी पहली बीवी भी है, बच्चा भी है उसके। आपको तो बताने चाहिए था ना, आप बड़े उम्र के। यार चलो नहीं पता चला, जो हो गया पास था, पास से क्या लेना देना यार, पास से क्या लेना देना, बताओ पास से क्या लेना देना। क्यों नहीं पास लेना, पता तो होता है ना सारी पास की बातें। सारी बात तो बताई है, हम उसने नहीं बताई तो उसने हम क्या कर सकते हैं बताओ। और अब तो कोई बात नहीं है, तो वो तुम्हारे साथ रहता है, घुमाता है, फिरता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे इतने मुझे जो बात पहले बतानी चाहिए थी मुझे अब पता लग रही है, मुझे मैं नहीं रहूंगी इनके साथ बिल्कुल भी, अब मैं अब तो अपने घर वालों से बात करूंगी। नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, जैसा बहुत अच्छा काम कराओ आप लोगों ने कि हाँ किसी किसी लड़की को तुम अपने घर ला रहे हो, उसे बाद में आके बता रहे हो कि हाँ भी उसकी बात साइड वाली नहीं है, बात साइड वाली नहीं है। तो उसमें यार मेरे को थोड़ा पता, बिचौले ने नहीं बताया, हमें क्या बताया, हमने तो बात क्लियर कर दी थी, अब तुम्हारे साथ बात नहीं हुई, उस बारे में कोई टॉपिक ही नहीं हुआ। ऊपर से मम्मी ये बोली कि हमने बताया हफ्ते में, हफ्ते में क्या हो गया, हफ्ते में क्या होगा, शादी शादी होती है, बेवकूफ मत समझना हम लोगों को, ठीक है? अपने ना घर वालों को बुलाऊंगी मैं, घर वालों क्या, मैं जा ही रही हूँ खुद ही, और मेरे से ना आपका कोई मतलब नहीं है आज के बाद, ठीक है? मर गई मैं आपके लिए। हुआ कुछ नहीं था, मेरी बात सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो, क्या हुआ क्या था मैं बताता हूँ। हफ्ता रहे, ठीक है, हफ्ता हमारी शादी हुई, हुआ क्या पंगा ये हो गया कि पता चला कि अगले महीने, अरे सुनो तो, अरे अगले महीने पता चला, अगले महीने पता चला, मेरी बात सुनो, हमने हफ्ते में डिवोर्स ले लिया, अगले महीने पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो इस वजह से हमने रिश्ता तो नहीं रखा, डिवोर्स फाइल कर दिया, डिवोर्स भी हो गया, पर यार वो बच्चा तो बताया क्यों, तो बच्चा मेरा था जो उसके पेट में था। तो तुम भाड़ में जाओ, जा रही हूँ अपने घर, ठीक है, मेरे से कोई मतलब नहीं है। बच्चा आ रही तो हफ्ते, या मेरे को तो ना पता था कि वो ऐसे ऐसे यार ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसलिए वो खर्चा मांग रही है, क्योंकि बच्चा बच्चा मेरा था ना, इसलिए वो उसके गाँव के जान मुझके लूटना चाह रही है। क्या बोल रही है कि तुम लोगों को बता होगा, सुनी नहीं हो कि बहरे हम लोग, तुम सारे लोग अकलमंद हो गए, हम बेवकूफ दिख रहे, अब रोके दिखाऊंगे, अभी जाऊंगी। यार शिवानी यार कहाँ जा रहे हो, अरे यार क्यों जा रहे हो यार शिवानी, अरे लिमिट बनाना अपनी, नहीं क्या लिमिट में रहना, अरे यार मैं यार सॉरी यार चलो हो गया, यार जो हो गया ना शिवानी, जो हो गया यार शिवानी, हो गया, बताया नहीं है, बताया नहीं है, क्या बताया नहीं है, क्या बताया नहीं, डेढ़ साल रही हो, दो साल रही हो, शादी तो शादी होती है ना। अरे यार
तुमसे प्रैंक तुमसे प्रैंक करे थे, मैं तुमसे प्रैंक कर रहा था, मैंने मम्मा को कॉल करके पहले बोला था, मैं क्या तुमसे प्रैंक करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है यार। तुम्हें लगता है कि मेरी पहले शादी हुई होगी यार, मैं तो साला अभी बच्चा हूं, मैं तो ऐसे नहीं लगता कि दूसरी शादी हुई, मेरी शादी हुई है तो लग रहा है पहली शादी हुई होगी। मम्मा से बोल रही पूछ रहे थे, मैं याद कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहे हैं हम। मैं देखो क्या वहाँ पे मैंने फोन रखा हुआ था बाहर टीवी के नीचे जो है ना, जहाँ पे शोपीस पड़े वहाँ पे मैंने फोन रखा हुआ था, बात मत दूसरा वाला अपना। अरे मैंने ऑफिस वाला फोन वहां पे रखा हुआ था। अरे मजाक नहीं, सच्ची कह रहा हूँ यार, प्रैंक कर रहा था। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अरे गाइस गाइस को हेलो तो बोल दो, अरे गाइस को हेलो बोल दो। अरे यार अच्छा हेलो तो बोलो गाइस को। अरे सच्ची प्रैंक कर रहा था यार, बताओ उसमें रोने वाली क्या होता है, रोने वाली बात नहीं। अरे सच्ची प्रैंक कर रहा था। अच्छा हेलो बोलो, पागल होगा यार, हेलो बोलो गाइस। मैंने चुप करा दिया इसे यार, प्रैंक करा था यार। मैंने क्या करा था, मैंने मम्मा को कॉल करके बोल दिया था, मैं कहा ऐसे ऐसे, मैं कहा अगर बाय द वे आपको कॉल करें ना तो आपको ऐसे ऐसी बात करनी है सारी, और सिमरन सुमरन वो कोई नहीं थी, वो सिमरन नहीं थी, वो सिमी थी मेरी बहन, उसका नाम मैंने सिमरन के नाम से सेव करा हुआ, तो उसको ही बोल दिया था मैंने पहले ही। है चलो हाय कर दो गाइस को, हेलो कर दो, हेलो गाइस, हेलो गाइस क्या होता है, सही से करो हेलो, अब तो कोई कोई यार नहीं ना जाती है, मजाक कर रहा था। चलो हेलो कर दो, करो हेलो, करो भाई हेलो, हेलो गाइस या हेलो गाइस, इतना ही बोलोगे बस, तो कैसा लग रहा गाइस, तो गाइस कैसा लगा हमारा प्रैंक, हमारा नहीं मैंने इस पर प्रैंक कर दिया। तो गाइस कैसा लगा प्रैंक, अगर अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसे ही हम न्यू न्यू वीडियो के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। तो आज का प्रैंक यहीं पे फिनिश करते हैं, मैं मना लूँ यार फिर।